अगली खबर में बात करते हैं पन्ना की, जहां इन दिनों शहर में शरद पूर्णिमा महोत्सव की धूम है। इस दौरान प्रणामी संप्रदाय की आस्था और श्रद्धा के केंद्र मंदिरों में रौनक दिखाई दे रही है। इसी प्रकार में 7 अक्टूबर की शाम महाराजा छत्रसाल जी के गुरु महामति श्री प्राणनाथ जी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें भारत देश के कोने कोने और विदेश तक से भक्त इस शोभा यात्रा में शामिल होने पन्ना पहुंचे। भक्ति रस में सराबोर नाचते और गाते श्रद्धालुओं की टोलियां प्राचीन खेजड़ा मंदिर से श्री जी की भव्य सवारी के साथ निकली। अंतरराष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव के धार्मिक आयोजनों की श्रृंखला में इस शोभा यात्रा का खास महत्व है। शुक्रवार को शाम 6 बजे से शुरू हुई इस ऐतिहासिक सवारी में श्री जी की मनमोहक शोभा यात्रा मुख्य आकर्षण का केंद्र रही है, जिसकी एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु बेताब दिखे। प्रणामी संप्रदाय के आस्था का केंद्र अति प्राचीन खेजड़ा मंदिर से सोमवार शाम 5 बजे से अखंड मुक्तिदाता महामति प्राणनाथ जी की सवारी जब निकली, अंतरराष्ट्रीय शरद पूर्णिमा महोत्सव के दौरान पन्ना नगर में लगभग 450 वर्षों से लगातार श्री जी की सवारी भव्य स्वरूप के साथ निकाली जाती है। इस सवारी का आयोजन पहली बार बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल ने किया था। सतगुरु के सम्मान का प्रतीक कही जाने वाली इस 13 की सवारी को लेकर मान्यता है कि जब बुंदेलखंड को चारों तरफ से औरंगजेब के सरदारों ने घेर लिया था, तब महामति श्री प्राणनाथ ने महाराजा छत्रसाल को अपनी चमत्कारी दिव्य तलवार देकर विजय श्री का आशीर्वाद दिया था। कहा था कि हे राजन, जब तक तुम अपने दुश्मनों को धूल चटा कर नहीं आ जाते, तब तक मैं इसी खेजड़ा मंदिर में ही रुकूंगा। 13 को जब महाराजा छत्रसाल अपने दुश्मनों पर फतह हासिल कर लौटे, तो अपने सदगुरु महामति प्राणनाथ जी को पालकी में बिठाकर अपने कंधे को सहारा देकर श्री प्राणनाथ जी मंदिर में स्थित गुम्मट बंगला, जिसे ब्रह्म चबूतरा भी कहते हैं, में ले आए, जिसके प्रतीक विजय स्वरूप। तभी से यह आयोजन हर वर्ष किया जाता है।